सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ध्यान आश्रम में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, नए साझेदार का प्रवेश, तो उसके रिलेटेड मैंने सारे बेसिक थ्योरी को आपको समझा दिया। जैसे नए साझेदार प्रवेश होता है वो क्या होता है, प्रवेश करने पे क्या क्या चीज़ों को प्रभाव पड़ता है, उसके साथ साथ क्या मैंने बताया था कि नए साझेदार जब प्रवेश होता है तो कितने प्रकार की लेखांकन समस्याएं उत्पन्न होती है, कितने प्रकार की लेखांकन समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें से मैंने दो टॉपिक को समझाया था। एक क्या था, नए लाभ हानि अनुपात की गणना तथा त्याग अनुपात की गणना, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट हमारा था कि ख्याति का मूल्यांकन। और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नया साझेदार जब आता है तो उस समय किस प्रकार से लेखांकन करते हैं। लेकिन मैं सारे लेखांकन को एक साथ नहीं ले चलूंगा, जबकि मैं दो टॉपिक को समझाऊं तो उसी दो टॉपिक से रिलेटेड लेखांकन तक चलूंगा। मतलब क्या है, नया साझेदार जब आता है तो क्या लाएगा, वो पहले पॉइंट है कि पूंजी लाएगा, तो पूंजी लाने पे क्या लिखा हो, और दूसरी बात जो हमने ख्याति का लेखांकन किया था किसके लिए किया था, ताकि हमें पता चल सके नया साझेदार कितने अमाउंट में ख्याति लाएगा। तो नया साझेदार ख्याति जो लाता है उस ख्याति का लेखांकन हमें समझना है, ठीक है। मतलब दो टॉपिक को हम लोग को समझना है आज। एक क्या है, नया साझेदार पूंजी लाएगा तो क्या एंट्री होगा, और दूसरा पॉइंट हमें यह समझना है कि नया साझेदार ख्याति लाता है तो किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैंने हेडिंग डाला है, नया साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन। लेकिन सारे लेखांकन को नहीं समझना है यहाँ पर, बल्कि दो पॉइंट अभी समझाएंगे, और जैसे जैसे चीजें चलती जाएंगी वैसे वैसे सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखिए क्या होगा, पूंजी लाने पर, नए साझेदार द्वारा पूंजी लाने पर, नए साझेदार द्वारा पूंजी लाने पर, ठीक है। जब नया साझेदार पूंजी लाएगा तो क्या लेखांकन होगा, हमें समझना है कि जब नया साझेदार पूंजी लाएगा तो क्या लेखांकन होगा। तो एंट्री बनेगा हमारा, जिस भी फॉर्म में पूंजी लाए, कैश लाएगा या फिर बैंक में से लाएगा, ठीक है। जिस फॉर्म में लाया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जिस भी चीज़ में लाया, यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, या किसी एसेट्स के रूप में लाता है तो वो डेबिट होगा, जो भी लाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर एसेट के रूप में लाता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, जो साझेदार पूंजी ला रहा है उसका पूंजी क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा, ठीक है। एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूंजी लाने की यही एंट्री होता है। इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, पूंजी लाना है तो सीधे सीधे एंट्री कर देंगे। अगर कैश के फॉर्म में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश के साथ अगर कोई स्टॉक मशीनरी वगैरह कुछ ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट मशीनरी मशीन अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस भी फॉर्म में लाएगा वो एंट्री हो जाएगा। फिर इसके बाद समझने वाली पॉइंट है हम क्या, जो आज का टॉपिक मेन है, हमें क्या बताना है आज कि नया साझेदार जब ख्याति लाएगा, नया साझेदार जब ख्याति लाएगा तो किस प्रकार से एंट्री होगा। तो अब हमें समझना है ख्याति के, ख्याति का लेखांकन, हमें क्या समझना है, ख्याति का लेखांकन, तो किस प्रकार से नया साझेदार के समय ख्याति आता है और उसका कैसे लेखांकन होता है, ये पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो देखिए, नया साझेदार जो ख्याति लाता है उसका दो तरीका है, नया साझेदार जो ख्याति लाता है उसका दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हमारा फर्म के बाहर, ठीक है। और दूसरा हमारा तरीका है फर्म के अंदर, ठीक है। जब नया साझेदार ख्याति लाता है और वो फर्म के बाहर लाता है, और प्राइवेटली निजी तौर पे क्या होता है, पुराने साझेदार यानी जो भी जो पहले के पार्टनर है वो आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पैसा फर्म के अंदर ही नहीं आया, ख्याति का जो अमाउंट उसे लाना होगा, तो ख्याति लाता क्यों है, तो ये बात आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए, जब बिजनेस पहले से ही चल रहा है और उस बिजनेस में एक नया साझेदार आएगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो पुराने साझेदार अपने मेहनत करके उस फर्म का नाम बहुत बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से फर्म क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसमें क्या होगा, नया साझेदार को आते ही उसका हिस्सा मिलने लगेगा, उस प्रॉफिट में उसको फायदा मिलने लगा है। इसीलिए नए साझेदार को प्रवेश करते समय, एडमिशन लेते समय कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लाना पड़ता है, प्रीमियम यानी गुडविल भी लाना पड़ता है। इस कंडीशन में जो प्रीमियम लाया जाता है या गुडविल लाया जाता है उसका दो तरीका होता है, एक होता है फर्म के बाहर यानी निजी तौर पे गुडविल लाना, नया साझेदार आएगा और पुराने साझेदार को पैसा दे देगा ख्याति का, और पुराने साझेदार उसको निजी तौर पे बांट के खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब फर्म में कुछ आया गया है ही नहीं, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में कोई भी इसके लिए एंट्री नहीं किया जाता, नो एंट्री, ठीक है, इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होगा। समझने वाली बात है, क्योंकि फर्म में कुछ आया ही नहीं,
कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, कोई भी चीज़ पर मैं प्रभावित हुआ नहीं हुआ, इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कोई भी एंट्री नहीं होगा। दूसरा हमारा है फर्म के अंदर, फर्म के अंदर ख्याति आता है, तो फर्म के अंदर ख्याति आया आता जब है तो उसमें भी दो प्रकार है, एक क्या होता है नया साझेदार जो है नगद के तौर पे ला सकता है, और दूसरा नया साझेदार जब नगद नहीं ला पाता है, दो प्रकार है इसमें भी, ठीक है। एक क्या है नया साझेदार नगद के तौर पे ले आया, और दूसरा क्या है नया साझेदार नगद के तौर पे नहीं ला सकता है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नए साझेदार द्वारा नगद ख्याति लाने पर, ठीक है। जब नया साझेदार क्या होगा, जब नया साझेदार नगद ख्याति लाएगा तो क्या एंट्री बनेगा, सीधी बात है पैसा आएगा तो हमारा क्या होगा, या फिर ये मेन हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। इस हेडिंग के अंदर हम लोग तीन एंट्री करते हैं। जब नया साझेदार नगद ख्याति लाता है तो सबसे पहले क्या होता है, ख्याति लाने पर एंट्री करते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या होता है, ख्याति लाएंगे तो नगद के तौर पर ला रहा है ना, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है। नया साझेदार क्या होगा, नया साझेदार जब ख्याति लाएगा तो उसने जो होता है फर्म के बाहर के लिए कोई भी एंट्री नहीं, क्योंकि फर्म के बाहर आएगा तो किसी चीज़ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा फर्म के अंदर जाएगा तो उसमें दो तरीका है, एक होता है नगद ला पाना और दूसरा होता है नगद ना ला पाना, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या कर पढ़ा रहे हैं, नगद ला पाना। नगद लाएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ख्याति आएगा तो उसकी एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और जब भी ख्याति आता है तो हमें क्या करते हैं, उस ख्याति को उसे बांटना रहता है, राइट ऑफ करना रहता है, और किस में बढ़ता है, तो पुराने साझेदारों में बढ़ता है। तो एंट्री बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, याद रखिएगा जब भी ख्याति आएगा तो वो क्या होगा, वो पुराने साझेदारों में बटेगा, ठीक है। क्योंकि ख्याति किसके लिए आ रहा है, पुराने साझेदारों के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अपना हिस्सा छोड़ के नए साझेदार को लाभ दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें बटता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ख्याति आके किसमें बटा, ओल्ड पार्टनर्स में बटा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस अनुपात में बढ़ता है, तो याद रखिएगा ये किस अनुपात में बढ़ता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। किस अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्यों, क्योंकि ये जितना त्याग करेंगे अपने हिस्से का उतना ही उन्हें ख्याति मिलेगा, और जो त्याग करेगा उसी को मिलेगा, जो त्याग नहीं करेगा उसको उस ख्याति में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा जो नया साझेदार लाएगा, बात समझे। पहली एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आने पे, क्योंकि कैश आ रहा है इसलिए डेबिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री होता है इसको राइट ऑफ करने के लिए, इसको क्या करते हैं बांट देते हैं सब में, तो ये राइट ऑफ होता है, ये यहाँ पर इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, और यहाँ पर इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, जिसमें बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका जो है कैपिटल बढ़ जाता है। और हमारा किस अनुपात में बढ़ता है, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया, चलिए इसको मिटा नहीं रहे, इसको देखिएगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें एक और एंट्री करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगली एंट्री हमें जो करना पड़ता है वो होता है कि ये जब ख्याति आ गया, बट गया, यहाँ तक तो सही है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि पुराने साझेदार उस ख्याति को निकालते हैं, क्वेश्चन में बोला है, तब हमेशा नहीं करना है, ये दोनों एंट्री हमेशा करना है। जब भी नगद आएगा तो ये एंट्री भी कंपलसरी है, ये एंट्री भी कंपलसरी है, लेकिन जो ये एंट्री हम लिखवा रहे हैं ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बोला है तभी काम करना है, क्या होगा, निकालने पर ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकालने पर, ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकालने पर, ये एंट्री कब होगा, जब हमारा ये होगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ख्याति को पुराने साझेदार निकाल रहे हैं, तभी ये एंट्री होगा, वरना नहीं होगा, वरना केवल ये दोनों एंट्री ही होगा, ये समझने वाली बात है। ये दोनों एकदम कंपलसरी हैं, जब भी नगद आएगा तो दोनों एंट्री होगा, लेकिन ये एंट्री तभी होगा जब क्वेश्चन में बोला है कि पुराने साझेदार ख्याति निकालेंगे, तो निकालेंगे तो एंट्री क्या होगा, जब निकालेंगे तो उनका कैपिटल निकलेगा, क्योंकि ख्याति किस में बढ़ गया, कैपिटल में बढ़ गया ना, इसलिए वो निकलेगा, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
जो 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 साझेदार अपने खाते निकाले उनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा और निकलेगा अब किस फॉर्म में, अब गुडविल के फॉर्म में नहीं है बल्कि क्या हो गया, अब कैपिटल के फॉर्म में है और निकलेगा तो कैश के रूप में ही निकलेगा, ठीक है। तो कैश के रूप में निकलेगा तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नाम से एंट्री होगा, ठीक है, बात समझे। ये हमारा एंट्री बना, क्लियर हो गया बात। यानी ख्याति लाने का दो तरीका, फर्म के बाहर नो एंट्री, फर्म के अंदर नगद आने पे, नगद आने पे ये दोनों कंपलसरी एंट्री, ख्याति लाने पे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर उसको बांटने पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, कंफर्म याद रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी रेशियो में बढ़ता है। और उसके बाद ये तब होगा जब क्वेश्चन में बोला है क्या कि पुराने साझेदार ख्याति निकालेंगे तभी ये एंट्री करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब जो दूसरा टॉपिक हमने बताया कि फर्म के अंदर जब ख्याति आता है तो दूसरा कंडीशन क्या है, ख्याति नगद ना लाने पर, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, ख्याति नगद ना लाने पर। जब नया साझेदार किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है कि वो ख्याति की धनराशि को नगद देने में असक्षम हो जाता है, मतलब सक्षम नहीं होता है, ठीक है, अगर वो असमर्थ हो जाता है अपनी ख्याति को ख्याति की राशि नगद लाने पे, तब ये एंट्री होगा, ठीक है। अगर नगद है तो हम ये दोनों एंट्री करेंगे, और अगर उधार है मतलब नगद ख्याति ना दे पाया तब जाके ये एंट्री करेंगे जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या एंट्री बनेगा, देखिए सीबीएसई में कुछ और एंट्री है क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड के हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या एंट्री बनेगा, जब वो नगद नहीं ला पाता वो तो उसकी ख्याति की राशि उसके पूंजी में से निकाल लिया जाता है, किस में से निकाले जाता है, पूंजी में से निकाल लिया जाता है, तो पूंजी कम होता है इसलिए उसका कैपिटल डेबिट हो जाता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू में जाता है। टू में उसी तरह किसको ख्याति मिलता है, पुराने साझेदारों को, तो उनका कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये एंट्री बनेगा, ठीक है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझना है अच्छे तरीके से, हमें अच्छे तरीके से ये समझना है कि ये एंट्री कब होगा, जब ख्याति नगद नहीं ला पाएगा, कौन, नया साझेदार जब ख्याति नगद नहीं ला पाएगा तो क्या होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि नया पार्टनर के कैपिटल में से उसके गुडविल के पैसे को, उसके गुडविल के पैसे को काट लिया जाएगा, कम किया जाएगा, इसलिए उसका कैपिटल कम होगा, डेबिट होगा। और वो किसको मिलना रहता है, ख्याति किसके लिए आता है, पुराने साझेदारों के लिए आता है, इसलिए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। और जो ख्याति जो भी हिस्सा होगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसके शेयर इसके शेयर की गुडविल होगी, his share of goodwill, यानी जिस जो यहाँ पर अमाउंट होगा वो पूरे फर्म की गुडविल में जितना इसका शेयर होगा बस उतना ही अमाउंट यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो अभी इतना ही, अब इसका हम न्यूमेरिकल चलते हैं, अब इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे तो ध्यान ये देना है कि ये एंट्री याद रहना चाहिए, ये एंट्री क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे वीडियो रोक करके, ठीक है, या जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे नोट करते हुए चलिए, ये एंट्री याद हो जाएगा। और बाकी बुक का कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, और बाकी बुक का कुछ भी ध्यान नहीं देना है, इतना एंट्री देखेंगे तो नया साझेदार के ख्याति लाने का सारा एंट्री समझ लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट और बचा है उसको हम समझाते हैं, अभी समझ लीजिए इसको भी, ठीक है। देखिए क्या होता है, इनके अलावा एक प्रकार की और ख्याति होती है, इनके अलावा एक प्रकार की और ख्याति होती है, इसे हमें समझना है। ये क्या होता है, ये नया साझेदार की ख्याति नहीं है बल्कि क्या है, ये वो ख्याति है जो पहले से ही बुक में हो। यानी नया साझेदार जब एडमिशन ले रहा है, नया साझेदार जब एडमिशन ले रहा है और उस समय की जो बैलेंस शीट हमारा है, आर्थिक चिट्ठा है, अगर उसके एसेट साइड में पहले से ही कोई ख्याति होगी, यानी बहियों में जब कोई ख्याति का खाता होगा तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, ठीक है। यानी अब जो ये एंट्री है वो क्या है, लेखा बहियों में ख्याति खाता होने पर, ठीक है, लेखा बहियों में ख्याति खाता होने पर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिटेन ऑफ करते हैं, उसको हम लोग अपलिखित करते हैं। तो क्योंकि गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है, क्योंकि वो एसेट है और वो जब राइट ऑफ होगा, यानी उसको जीरो करना है तो वो क्या होगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। और किस में बटेगा, तो क्योंकि वो पुराना गुडविल है, क्योंकि वो पहले से ही गुडविल है ना, नया साझेदार का तो है नहीं, वो पुराना गुडविल है, तो वो बटेगा किसके में, पुराने साझेदारों में ही बटेगा। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, उनके कैपिटल से उसको राइट ऑफ करते हैं, यानी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल उसके थ्रू ये राइट अप होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये गुडविल क्या होगा, खुद क्रेडिट हो जाएगा,
क्योंकि गुडविल का पहले बैलेंस क्या था, गुडविल का पहले बैलेंस डेबिट था, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा और किस में बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में, तो क्योंकि ये पुराना गुडविल है तो ये पुराने रेशियो में ही बटेगा, ठीक है। तो ये एंट्री एक और होता है, तो गुडविल का ये सारा एंट्री हो गया, इतना ही समझना है, ज़्यादा किताब को मत पढ़िएगा, ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे जो समझा रहे हैं उस तरह देखिए और सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से आता जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब आगे क्या चलते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं, कुछ हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पे होता है, दो तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, लिखा क्या है, जी और एच तीन अनुपात दो के अनुपात में फर्मों के लाभों को बांटते हुए साझा है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन में जी और एच ये दो पार्टनर हैं और उनका अनुपात कितना, तीन अनुपात दो, इसको बांटते हुए वो लोग क्या है, वो लोग साझदार हैं, तो यानी ये ओल्ड रेशियो है। उसके बाद बता रहा है टी लाभ के एक बटे पाँच हिस्से के लिए साझदारी में प्रवेश पाता है। टी जो है एक नया साझदार है, टी जो है एक नया साझदार है और वो उसका हिस्सा कितना है, तो उसका हिस्सा हमारा है एक बटा पाँच, एक बटा पाँच के लिए वो क्या कर रहा है, इतने हिस्से के लिए वो प्रवेश पाता है, ठीक है। इसके बाद बता रहा है वह अपने हिस्से की ख्याति प्रीमियम के रूप में 30,000 रुपये लाता है। वो बता रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना ला रहा है, क्वेश्चन में बताया है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अपने हिस्से के रूप में ख्याति कितना लाता है, 30,000 रुपये लाता है, 30,000 रुपये लाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल इतना है, फिर जी एच और टी का नया लाभ हानि अनुपात 11:9:5, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जी एच और टी इनका कितना नया अनुपात है, 11:9:5, ये हमारा कौन सा रेशियो है, तो ये हमारा न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो पता चल गया, ओल्ड रेशियो पता चल गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बता रहा है, ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं है, ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं है का मतलब क्या है, कोई भी आर्थिक चिट्ठे की ख्याति नहीं है, पुस्तकों में ख्याति ना होने का मतलब कोई भी पुरानी ख्याति नहीं है, यानी जो सबसे लास्ट वाला एंट्री हम बताए थे वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, दिखाइए कि टी द्वारा लाई गई प्रीमियम की राशि जी और एच के बीच कैसे बांटी जाएगी, यह मानते हुए रोजनामचा प्रविष्टा कीजिए कि पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की पूरी राशि निकाल ली जाएगी। क्वेश्चन आगे ये बता रहा है कि हमें ये दिखाना है कि ये जो ख्याति है इन लोगों में किस प्रकार से बटेगा, और वही ये भी बता रहा है कि ये लोग जो ख्याति इनमें बटेगा वो पूरी की पूरी राशि निकाल लेंगे, यानी थर्ड वाला जो हम एंट्री निकाल बताए थे वो भी होगा। अब समझिए, पहले वर्किंग नोट समझना क्या है, हमें ये जानना है, हम बताए थे कि प्रीमियम जो होता है वो किस अनुपात में बढ़ता है, त्याग अनुपात में, तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब हमारा हम सबसे पहले जी का देखेंगे, जी का पुराना अनुपात 3:5 है, नया अनुपात 11:25 है, ठीक है। और उसी तरह एच का चेक करेंगे तो एच का पुराना अनुपात 2:5 है और नया अनुपात 9:25 है, चेक करते हैं, इसका एलसीएम हमारा 25 आएगा, 5 बार में जाएगा और 5×15, ठीक है, माइनस 11, फिर इसी तरह एलसीएम 25 आएगा, 5 बार में 5×10 माइनस 9, कितना आ गया हमारा, 15 में से 11 गया 4, 4:25, ठीक है, और 10 में से 9 गया 1, 1:25, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा कितना आया, 4:1, ठीक है, 4:1 आया। अब हम जैसा बताए थे कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये किस में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग में बढ़ता है, तो जी का प्रीमियम में कितना हिस्सा होगा, 30,000 में सेक्रीफाइसिंग 4 और 1 है ना, तो 30,000 में 4:5, और एच में कितना होगा, एच का 30,000 में कितना आएगा, एच का 30,000 में 1:5, बात समझे। सबसे पहले वर्किंग नोट समझा रहा है, उसके बाद हम एंट्री फटाफट कर लेंगे, बात क्लियर हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले, क्यों निकाले, क्योंकि हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है उसमें, ठीक है, प्रीमियम को उसी में बांटना है, तो हमने निकाला तो 4:1 आया, और उसके बाद उसका शेयर निकाले तो 4×5 से इसको काटेंगे, 6×5 30 होता है और 6×24 हमारा किसका, जी को मिलेगा, और एच को कितना मिलेगा, एच को मिलेगा 6,000, इतना उनको गुडविल में शेयर मिलेगा, क्लियर हो गया बात। इसके अलावा कुछ नहीं निकालना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अब जनरल एंट्री पे चलते हैं, अब हम लोग जनरलाइजिंग पे चलते हैं, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, नोट भी कर लेंगे, ठीक है, वीडियो रुक रुक के आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अब देखें जनरलाइजिंग में जब चलेंगे हम लोग तो क्या होगा, सबसे पहला एंट्री क्या होगा,
कैपिटल लाने का है। इसमें कैपिटल आया है क्वेश्चन में? नहीं आया है, लेकिन पहला एंट्री कैपिटल का होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में ही नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हम उसको करेंगे नहीं करेंगे, तो इसलिए वो एंट्री नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रीमियम आने की एंट्री होगा। तो प्रीमियम आने की एंट्री होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होगा। आप लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट खींच के करेंगे, हम यहाँ समझा रहे हैं, बहुत शॉर्टकट में लिख रहे हैं इसलिए, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना प्रीमियम आया है? तो क्वेश्चन में बताया कि 30,000 प्रीमियम है, 30,000 प्रीमियम है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री क्या होता है? कंपल्सरी होता है वो, क्या जब प्रीमियम आ गया तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दें, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो टू जीस कैपिटल अकाउंट, टू जीस कैपिटल अकाउंट, और टू क्या होगा, टू एच कैपिटल अकाउंट, टू एच कैपिटल अकाउंट, ये दोनों हो गया। हमने निकाला प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, बटा था कितना, जी में कितना बटा था, जी में 24,000 बटा था, और एच में कितना, एच में 6,000 बटा था, यही तो हमने निकाला था ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट कर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तीसरा एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पुराने साझेदार जो है ख्याति की पूरी राशि निकाल रहे हैं, तभी ये एंट्री हो रहा है। अगर बोला रहता है ख्याति की आधी राशि निकालते हैं, तो जो इनका यहाँ पर ख्याति बटा है 24,000-6,000, उसका आधा निकालते हैं। अगर एक तिहाई बोलता तो एक तिहाई निकालते हैं, यहाँ पर पूरा बोला है तो ये पूरा का पूरा निकलेगा। और निकालने की एंट्री हमने क्या बताया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जिनको ख्याति मिला है वही निकालेंगे, यानी जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिनको ख्याति मिला वही ना निकालेगा, तो इन दोनों को ख्याति मिला है वो दोनों डेबिट होंगे और निकलेगा अब कैश के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, इसने पूरा निकाला, यानी इसने अपना 24 का 24,000 निकाला, इसने पूरा निकाला, इसने अपना 6 का 6,000 निकाला, और दोनों मिला के 30,000 निकाल लिए वापस, ठीक है। ये तीन एंट्री होगा, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, दो मिनट के लिए देख लीजिए, और कोई रिविज़न करना है तो पूछ लीजिए। देखिए हम फिर से इसको बता देते हैं, इसमें क्या है, इसमें हमारा क्वेश्चन बता रहा था कि ओल्ड रेशियो हमारा इस अनुपात में है, नया साझेदार हमारा 1/5 आया, और उसके साथ साथ न्यू रेशियो निकालने का पंचायत ने इसमें सीधे सीधे दे दिया। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं, दिया हुआ है तो दे दिया। अब न्यू रेशियो जब दे दिया तो हमने सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग निकाला, तो सेक्रीफाइसिंग हमने निकाला तो कितना आया था, 4:1। जब 4:1 सेक्रीफाइसिंग आ गया तो हम सीधे तौर पे क्या किए, इस रेशियो में इसको बांट दिए, जिसमें से जो जी है उसको 4 हिस्सा यानी 24,000 मिला था, और एच जो है उसको 2-1 हिस्सा यानी 6,000 मिला था। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो पहले प्रीमियम आया, उसकी एंट्री किया, प्रीमियम को बांटा, कंपलसरी है उसको बांट दिया, और प्रीमियम क्योंकि निकल रहा था तो निकाल लिए। ये तीन एंट्री हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें बुक वाली भी ख्याति होगी, जिसमें क्या होगा, बुक वाली भी ख्याति होगी, यानी पुरानी ख्याति, जिसको साझेदार क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, राइट ऑफ करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से लग रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए हमारे साथ। इसमें क्या बोला है, ए और बी समान लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। बताया क्या है कि ए और बी, ये दो के दो जो है साझेदार हैं और समान लाभ बांट रहे हैं, यानी 1:1। जब भी समान अनुपात बोलता है तो इसका मतलब होता है 1:1, ठीक है। समान लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, बता रहे हैं सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, सी जो है वो 1/4 के लिए पार्टनर बन गया, ठीक है, पार्टनर बन गया। इसके बाद बता रहा है सी 1800 प्रीमियम में से 1000 रुपये प्रीमियम देता है। सी जो है, सी को गुडविल 1800 लाना था, लेकिन इसमें से उसने प्रीमियम 1000 लाया, यानी जो सी जो है गुडविल लाया था वो कैश के फॉर्म में 1000 लाया, और 800 क्या, 800 विथआउट कैश है, 800 विथआउट कैश है, यानी उधार एक तरह से, ठीक है। हमारा 800 का जो है वो गुडविल जो है वो कैश के फॉर्म में ना ला सका, यानी हमने दो तरीके से गुडविल आना बताया था ना, फर्म के अंदर जब भी गुडविल आता है दो तरीके से होता है, एक नगद आना और एक नगद ना लाना। तो यहाँ पर दोनों है, इस क्वेश्चन में ये बात दोनों है, इसमें 1800 जो है, 1800 जो है वो टोटल उसको लाना था, उसमें से 1000 कैश के फॉर्म में लाया और 800 वो ना ला सका, 800 वो नगद ना ला सका। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्व से ही ख्याति आर्थिक चिट्ठा में 6,000 रुपये प्रदर्शित है, और बता रहा क्या रहा है कि ख्याति जो है, हम यहाँ पर ओल्ड गुडविल लिख देते हैं, ओल्ड गुडविल से समझ लीजिएगा, ख्याति जो है वो 6,000 पहले से ही है, ख्याति जो है वो 6,000 पहले से ही, तो पुरानी ख्याति को पुराने अनुपात में बांट देते हैं, ठीक है। नया प्रीमियम को क्या करते हैं, नया प्रीमियम को कैसे करते हैं, सेक्रीफाइसिंग बढ़ता है, यहाँ पे कैश और क्रेडिट, मतलब कैश और उधार दोनों वाला है, तो दोनों तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब
समझने वाली बात यह है कि हर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, त्याग अनुपात निकालना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि ख्याति जो नया साझेदार लाता है उसको हमेशा त्याग अनुपात में ही बांटते हैं। तो हम निकालने का तरीका बताया था अनुपात वाले में कि जब हमारा ओल्ड रेशियो दिया हो और नया साझेदार का केवल हिस्सा दिया हो और ये ना बताया हो कि ये हिस्सा किस प्रकार से कैसे कैसे है, मतलब कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में वो केस वन का क्वेश्चन हो जाता है, और इस कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा जो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी होता है। और बाकी निकालने का तरीका आप लोग को पता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। हमें पता है कि ये ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करने आप लोग को मैं सिखा चुका हूँ, तो आप लोग खुद से कर लेंगे उसको। अब सीधी बात क्या करते हैं, सीधे हम लोग जनरल एंट्री में चलते हैं। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले प्रीमियम लाने की एंट्री करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब बताइए कि कितना लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट, कितना अमाउंट लिखेंगे। तो देखिए प्रीमियम था तो 1800 लाना था, लेकिन कैश के फॉर्म में कितना ला पाया है, कैश के फॉर्म में 1000 लाया है, इसलिए हम केवल और केवल 1000 से ये एंट्री करेंगे, केवल और केवल 1000 से, 1800 नहीं लिख देंगे, बात समझे हम लोग, 1800 इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये बात पता है कि जब भी कैश में गुडविल आता है तो इसके साथ बांटने की एंट्री भी कंपलसरी है, तो इसको राइट ऑफ करेंगे, तो हमारा एंट्री बनेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, क्योंकि सेक्रीफाइजिंग यही होगा, यानी दोनों में बटेगा, तो टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना प्रीमियम है, तो अभी हमारा प्रीमियम कितना है, 1000 है, ठीक है, दोनों में बटेगा बराबर, तो 500 और 500, ये हमारा एंट्री हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया जो कैश में प्रीमियम आया उसका। अब विदाउट कैश वाला हम लोग देखेंगे, तो विदाउट कैश वाला हमने एंट्री क्या बताया था कि जितना वो उधार लाता है उतना उसके कैपिटल में से काटा जाता है, इसलिए क्या एंट्री होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। टू सेक्रीफाइजिंग कौन है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ए और बी दोनों हैं, तो उनका कैपिटल क्या होगा, उनका कैपिटल क्रेडिट होगा। टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हमारा हुआ। समझिए क्या है, ये जो है 1000 कैश के फॉर्म में, कैश वाला हमने एंट्री किया, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ ही है, इसमें विदाउट कैश वाला भी है। विदाउट कैश वाला है तो 800 विदाउट कैश था, तो उसकी एंट्री हमने लिखाया था, जब नगद ना ला सका तो क्या एंट्री होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स में वो कैपिटल क्या होता है, मतलब वो प्रीमियम क्या होता है, वो बढ़ता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर उसका बिना कैश वाला कितना है, 800 रुपये, हमने ऊपर समझाया बिना कैश वाला 800 है ये अमाउंट। अब इसको हम लोग बांटेंगे किसमें, तो बराबर, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सेक्रीफाइसिंग वही है, यानी 400 और 400, सेक्रीफाइसिंग तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, अब एक ही क्वेश्चन है तो बार बार बदलेगा थोड़ी ना, तो यहाँ पर हमारा 1:1 में ही जाएगा। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया, समझ में आया। तो ये जो है ये कैश के लिए है, ये जो है उधार के लिए। फिर एक क्वेश्चन में और एक बात बोला है कि गुडविल जो है पुरानी गुडविल, आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित गुडविल, यानी अपियर इन द बुक वाली गुडविल जो है वो कितनी है, वो 6000 है। तो उसके लिए भी हम सबसे लास्ट एंट्री बताया थे जनरल एंट्री में, सबसे लास्ट एंट्री, तो वो एंट्री करेंगे। तो वो एंट्री हम क्या करेंगे, तो समझिए वो एंट्री होगा हमारा गुडविल राइट ऑफ होगा, किसमें, ओल्ड पार्टनर में, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने एंट्री बताया है, लिखवाया, और उसके बाद हमारा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हमारा क्या होगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में जाएगा, टू में गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब ये इन द बुक गुडविल कितना है, 6000 जो हमारा ख्याति है, जो हमारे लेखा पुस्तकों में दिया हुआ है, आर्थिक चिट्ठा में दिया हुआ है, बटेगा ये भी किस में, ओल्ड रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग में नहीं, ओल्ड रेशियो में, लेकिन ओल्ड रेशियो हमारा सेम ही है, तो ये भी बराबर, यानी 3000 जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन ये ओल्ड रेशियो में बट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कम्प्लीट। उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रैक्टिकल आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको एक बार रिवाइज जरूर करूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन के लिए, छोटा सा देखने में लगता है लेकिन आगे के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जनरल एंट्री अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि कब एग्जाम में क्या होता है,
खाता बनाने के लिए तो देता है, कभी कभी जनरल एंट्री के लिए देता है। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बोलता है आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए, सारा का सारा जनरल एंट्री केवल करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये बातें आना जरूरी है, एक एक स्टेप, ठीक है, समझ में आया। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कीजिए, समझिए, कोई दिक्कत होता है कमेंट कीजिए। लेकिन आप कमेंट नहीं भी करेंगे तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार रिवाइज जरूर करूँगा, क्योंकि इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और इसी टॉपिक का बताऊँगा, एक या दो क्वेश्चन मैं इसी टॉपिक का अच्छा बताऊंगा, और इसके बाद जाके आगे मैं चलूंगा। और आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, आगे मैं इसके बाद रिवैल्यूएशन पढ़ाने वाला हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता, तो उस पर चलेगा। अब धीरे धीरे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने की तरफ चल गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग भी पढ़ सकें। धन्यवाद।